अगर मैकडी बर्गर किंग जितने ब्रांडेड मॉलों वाले बर्गर होंगे उससे अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं तो पैसा नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चलो चले दिदुमा। आज चलो चले की गाड़ी आ चुकी है ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म। मैं इस वक्त जगत फार्म पर खड़ी हूँ और मेरे राइट हैंड साइड पर है गुरुबख्श प्लाजा और जस्ट बराबर में मेरे शिव शक्ति स्टोर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उन्हीं के जस्ट बराबर में अंकल खड़े हुए हैं जिनका नाम है पंडित जी के शुद्ध शाकाहारी मशहूर होटल। तो जो लोग बर्गर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो हो जाइए तैयार, क्योंकि मेरी वीडियो को आप पूरी देखना। इतना लजीज बर्गर आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अंकल का कहना ये है कि अगर आपने मैगी या फिर बर्गर किंग के बर्गर के आगे इस बर्गर को फेल कर दिया तो आपको फ्री में बर्गर मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना, ये अंकल का कहना है। चाहे तो आप बोलो तो मैं अंकल से भी पूछवा दूँगी, वो यही बोलते हैं कि अगर आपने बर्गर को फेल कर दिया तो आपको कोई पैसा नहीं देना। तो चलते हैं अंकल के पास, देखते हैं कैसे कैसे अंकल बनाते हैं और चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अंकल जी के पास अंकल की मेकिंग देखने के लिए। अंकल आप बताइए कैसे कैसे आप इसको बनाएंगे? ये बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में लाजवाब। ओके, इतना दावा कर सकते हैं, मैक भी बर्गर से अच्छा नहीं तो पैसा नहीं लेते हैं लोगों से। ये देखो अंकल, ये वाली बात खुद बोल रहे हैं। अंकल फिर से एक बार तेज से बोलो थोड़ा। अगर मैक भी बर्गर किंग जितने ब्रांडेड मॉलों वाले बर्गर होंगे उससे अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं तो पैसा नहीं। तो देखा दोस्तों, खुद अंकल बोल रहे हैं अगर आपको लगता है तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो अंकल आप ये मिला रहे रेड चटनी, ये रेड वाली चटनी और ये ग्रीन, धनिया पुदीना हरी मिर्च। अच्छा, ये सब आप खुद ही बनाते हैं? खुद घर बनाते हैं। ये रेड वाली भी खुद? खुद, ये जैम होती है। अच्छा, ओ तो अब अंकल बनाने जा रहे हैं। अंकल इस पेस्ट में क्या क्या मिला हुआ है? इसमें मसाले हैं, गरम मसाले हैं, टोटल घर के कुटे हुए मसाले हैं, बाहर का कोई हम मसाला नहीं खरीदते। बाहर का आप कुछ सामान ही लेते हैं? नहीं, रेडीमेड मसाला नहीं खरीदते, मसाले होते हैं अपने, चावत मसाले लेते हैं, कूट के खुद बनाते हैं। अच्छा, कूट के खुद बनाते हैं। ओके, तो अंकल खुद बनाते हैं। गाइस ये टिक्की बन रही है डायरेक्ट ताजी ताजी, ये टकनी पेस्ट है आलू का। अच्छा, ये अमूल बटर के साथ होता है, फिर मक्खन के द्वारा बनाया जाता है, रिफाइंड ऑयल भी कुछ नहीं होता है, डालडा घी या रिफाइंड ऑयल लोगों को बनाते हैं तेल में, मतलब हमें कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता। 2006 से यहाँ तक किसी ने नहीं किया, मेरा बर्गर खान से मुझे नुकसान हुआ है। तो अंकल 2006 से बना रहे हैं और 2021 चल रही है इस टाइम। अंकल को सब बर्गर का गुरु बोलते हैं, है ना अंकल? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे से भी अपने गुरु नहीं बताता हूँ, मगर ग्रेटर नोएडा मेरी क्वालिटी का बर्गर मिलने का नहीं है। वो तो अंकल हमें देख के पता चल रहा है, हम खुद पहली बार देख रहे हैं इस टाइप का बर्गर। तो देखो दोस्तों अब ये बन रहा है। टमाटर लग चुके हैं लाल लाल, पनीर, क्या क्या प्राइस है अंकल आपके पास? 30, 50, 60। अच्छा, तो 60 वाला पूरा अमूल बटर में मिलेगा? अमूल बटर होता है मेरे पास। एकदम लजीज वाला चीज, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, देखने में इतना प्यारा लग रहा है ये, मतलब अब रुका नहीं जा रहा। अंकल जल्दी से देखो, एक मिनट रुको, पता है हम आपका कितनी देर से वेट कर रहे हैं? बहुत देर हो गई वेट करते करते। किसी नंबर ले लेते मेरा, उसके पास नंबर होता था, हमने कहा आज तो खा के ही जाएंगे।
आ चुका है, इसको मैं खा लेती हूँ एक बार पहले। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बर्गर। तो दोस्तों बहुत टेस्टी ये लग रहा है, आप मेरा मानना है, प्लीज़ जो लोग ग्रेटर नोएडा से रहते हैं वो लोग तो ज़रूर आके यहाँ पे खाना, और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को बताना कि वो यहाँ पे आके ट्राई करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।